दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के 7 नंबर क्वेश्चन का हल करना। और दोस्तों इससे पहले 6 तक जो क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो सीधा हमारे चैनल पर जाइए, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों पहले आपको हम समझाएं कि ये किस रूप से प्रश्न है। ये प्रश्न है दोस्तों, एक सोनिया नाम की लड़की है और एक जो है रवि नाम का लड़का है, जो एक मैदान यानी गोलाकार मैदान है उसके पथ पर वो दौड़ते हैं। कैसा है दोस्तों जरा देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 है, 7 इसका हल करेंगे दोस्तों। तो कैसा है दोस्तों, गोलाकार पथ है। कैसा है? गोलाकार पथ ऐसा है, ऐसा गोलाकार पथ है। मान लीजिए ये गोलाकार पथ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ जो है एक केंद्र है और यहाँ से दोनों जो है दौड़ना शुरू करता है इस तरफ, ऐसे एक स्थान से, चूँकि कहा जा रहा है कि एक स्थान से दौड़ना शुरू करता है। मान लीजिए ये सोनिया है, क्या है ये सोनिया है और ये मान लीजिए रवि है। कौन है ये? रवि। और यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा और दोस्तों सोनिया को दौड़ने में दोस्तों 18 मिनट के बाद ये जो है पूरे चक्कर लगा लेती है सोनिया, जबकि रवि 12 मिनट में ही चक्कर लगा लेता है। तो दोस्तों दोनों जो दौड़ेगा तो फिर दोनों कब मिलेंगे, कितने समय बाद दोनों जो है पुनः मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो दौड़ेंगे दोनों, तो हम जानते हैं दिन में ये कई बार मिलेंगे, कई बार अगर दौड़े तो दिन में कई बार मिल सकते हैं, लेकिन जो प्रथम बार मिलेंगे वो होगा दोस्तों इसका LCM, अर्थात इन दोनों का जो है टाइम जो लगता है, पहले जो सोनिया का टाइम जो लग रहा है 18 मिनट और रवि का 12 मिनट, दोनों का जो LCM निकालेंगे वही दोस्तों इनका पहली बार यानी न्यूनतम जो है मिलना वही होगा। और दोस्तों वही LCM जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी 12 और 18 का जो LCM निकालेंगे जो आएगा आंसर दोस्तों वही हो जाएगा इसका, जो है उतने ही टाइम के बाद ये दोनों एक स्थान पे मिलेंगे, ठीक है। यानी 12 और 18 का जो दोस्तों LCM निकालेंगे और जो LCM आएगा वही इनका जो है न्यूनतम जो है पहली बार उतने ही टाइम में ये मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अठारह और 12 का LCM। इसका दोस्तों LCM जो निकालेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा, LCM इसका LCM जो निकालेंगे वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों LCM निकालने के लिए इसको पहले तोड़िए। दोस्तों आप जानते हैं LCM जो है कई विधि से निकलता है, तो हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM निकाल रहे हैं। तो 18 को जो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे 9 आएगा, और 3 से लगा देंगे 3 × 3 = 9। अब इसको देखिए दोस्तों, 12 को 2 से लगाइए 6 आया, 2 से लगाइए 3 आया, यानी क्या हो गया दोस्तों 18 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 3 × 3 है। आप 3² भी डाल सकते हैं या 3 × 3 भी लिख सकते हैं, 3 × 3, और 12 का 2 × 2 × 3। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, ये एक 3 है ये है और ये एक 2 है, ठीक है। तो LCM इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, LCM ये एक 2 लीजिए, ये 2 लीजिए और ये एक 3 लीजिए, और बाकी जो बचा 3 ये लीजिए और ये 2 लीजिए और गुना कीजिए, 2 × 3 = 6 और 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36। यही है दोस्तों इसका आंसर, 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद दोस्तों दोनों जो है पहली बार मिलेंगे, यही इसका आंसर रह गया दोस्तों 36। इसलिए 36 मिनट बाद दोनों पुनः एक स्थान पे मिलेंगे 36 मिनट बाद।